डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सक की सलाह के कोई भी दवा न ले। जब आप डेंगू से पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको कायदे से घर में आराम करना चाहिए। समय समय पे पानी या ORS घोल का प्रयोग करना चाहिए और यदि बुखार तेज आता है तो केवल पैरासिटामोल का उपयोग करना चाहिए। आपको जो दवाई नहीं खानी है वो है डिस्प्रिन, क्योंकि इससे कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। यदि उसके होंठों से या उसके नाक से अगर खून आता है या उसका बुखार अचानक से तेज होने लग जाता है और यदि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसी कंडीशंस में उसको नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए और डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद एक्शन पर एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। चाहे मामला उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग का हो या पुलिस ग्रेड पे का। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस कर्मियों के ग्रेड वेतन को लेकर आ रही समस्या का समाधान निकाल लिया है। साथ ही धामी ने सरकार ने पुलिस जवानों के ग्रेड पे का विवाद खत्म करने के लिए बीच का रास्ता निकाल लिया है। पुलिस कांस्टेबलों को एक स्टार के साथ 4200 ग्रेड पे का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने नई रैंक एडिशनल सब इंस्पेक्टर ASI के 1750 पद सृजित करने के आदेश जारी किए हैं। हमारे पुलिस के जवानों की ग्रेड पे की समस्या का एक हम लोगों ने अच्छा समाधान निकालने का प्रयास किया है। इस समाधान के निकलने के बाद जहाँ 5200 से भी अधिक पुलिस के जो कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, जवान हैं, उन सभी को प्रमोशन का अवसर मिलेगा। उनको एक प्रोत्साहन के रूप में जहाँ पर 4200 उनका ग्रेड पे होगा, एक महत्वपूर्ण पद है, और उसके साथ साथ 1750 नए पद भी एडिशनल SI के बनेंगे और 1750 पद जो है हमारे हेड कांस्टेबल रैंक के बनेंगे। सब मिलाकर हमारे 5200 से ज्यादा पद हो जाएंगे, उनका ग्रेड पे 4200 होगा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने शासन के द्वारा लिए गए निर्णय के ऊपर खुशी जाहिर की, मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने हमारे जवानों की ग्रेड पे की समस्या का समाधान किया है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड पुलिस में 17500 पद कांस्टेबल रैंक के हैं, 3440 हेड कांस्टेबल के हैं और SI के 1980 के करीब पद हैं, जिनमें से आधे प्रमोशन से होंगे, सीनियरिटी से आधा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इस तरह इन लोगों पे प्रमोशन के बहुत ही कम एवेन्यू होते थे और हमारे पास सिपाही को हेड कांस्टेबल बनने में 20 से ज़्यादा साल लग जाते थे और SI तो बहुत ही कम लोग बन पाते थे। अब आज के फैसले से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो लिया गया है, 1750 हेड कांस्टेबल के पद बढ़ेंगे तो पदोन्नति का अवसर बढ़ गया। उससे भी बड़ी बात यह है कि 1750 एडिशनल SI के पद हैं जो पूरी तरह नए हैं। हेड कांस्टेबल और SI के बीच में एक रैंक पैदा हो गया है एडिशनल SI का और ये 1750 सारे पद प्रमोशन के होंगे, तो इससे हमारे विभाग में एकदम से जो ऑलरेडी हेड कांस्टेबल हैं वो सब, उनमें से अधिकांश एडिशनल SI बन जाएंगे और फिर नीचे हेड कांस्टेबल के अपने 1750 और ये जो 1750 3500 वैकेंसी हेड कांस्टेबल पे होगी तो सारे कांस्टेबल्स में एक साथ से प्रमोशन के बहुत ज्यादा स्कोप होंगे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। लखपति दीदी योजना के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कौशल विकास के साथ सूक्ष्म उद्यमों के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से महिलाओं को नए कार्यों के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। आज की डेट पे मैं पूरे उत्तराखंड या बाहर भी एक ट्रेनर के रूप में कार्य करती हूँ, ट्रेनिंग देने जाती हूँ महिलाओं को
आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में पूरी लगी रहती हूँ। अभी तक की मेरी 15 से ज्यादा ट्रेनिंगें मैं करवा चुकी हूँ। अब तक समूह की महिलाएं हस्तशिल्प, अचार, पापड़ इत्यादि उत्पादों तक ही सीमित थीं, लेकिन अब इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एलईडी, राजमिस्त्री आदि कार्यों के लिए भी उन्हें दक्ष बनाने की है तैयारी। राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन मार्केट से किया जा रहा है अनुबंध। राज्य स्तरीय आउटलेट के अलावा चारधाम यात्रा रूट पर भी बनाए गए हैं आउटलेट। उत्तराखंड सरकार और ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए बदल रही है महिलाओं की आत्मनिर्भरता की तस्वीर। समूह में आने के बाद महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने हमारे हर क्लस्टर में 5 लाख तक की अनुदान राशि दी है, जिससे महिलाएं बड़े स्तर पे अपने कार्य कर रही हैं, लघु उद्योग चालू कर रही हैं। महिलाओं की आय दोगुनी करने के लिए हम हैं संकल्पबद्ध। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रसेन श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि थैंक गॉड फिल्म के निर्माताओं के द्वारा फिल्म का एक ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिसमें अजय देवगन ने भगवान श्री चित्रगुप्त जी का अभिनय किया है। अजय देवगन ने जिस तरह से हमारे भगवान श्री चित्रगुप्त जी की प्रस्तुति एवं अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया है, उससे हिंदू समाज आहत हुआ है। हम उसे अपमान की श्रेणी में रखते हैं। भगवान श्री चित्रगुप्त को जिस आधुनिक वेशभूषा में प्रस्तुत किया गया है, वह हमें स्वीकार नहीं है। अजय देवगन द्वारा जिस मजाकिया अंदाज में भगवान चित्रगुप्त की प्रस्तुति की है, उसे हम स्वीकार नहीं करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। मूवी का ट्रेलर जारी हुआ है, जिसमें अजय देवगन जी ने अनाप शनाप कपड़े पहन करके भगवान चित्रगुप्त होने का दावा कर रहे हैं, जिसका हम पूरे देश में विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनके वेशभूषा में परिवर्तन किया जाए, उनकी प्रस्तुति में परिवर्तन किया जाए। उन्होंने कहा, उनके लोगों ने ट्वीट किया है कि चित्रगुप्त आ रहा है। चित्रगुप्त माने उनका नौकर हो गया, हमारे आराध्य देव हैं, हम उनको अपना भगवान मानते हैं, और उनके द्वारा अगर इस तरह का अपमान किया जाएगा तो हम देश के पैमाने पर इसका विरोध करेंगे। सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 30% आरक्षण के लिए जहां एक और महिलाएं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का प्रयास कर रही है, वहीं प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस मामले में बयान देते हुए कहा कि जो भी सकारात्मक निर्णय सरकार लेगी, उन निर्णय पर विचार किया जाएगा। हमने तो जो भी सकारात्मक निर्णय हो सकता है करने की आवश्यकता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे, हम उसके पक्षधर हैं। और क्योंकि हमारी सरकार में ही इसको लागू किया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से जो भी उसके लिए आवश्यक होगा हम करेंगे। हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता पंचायत चुनाव में लगे हुए हैं, और जिन नाराज कार्यकर्ताओं ने अपने नामांकन किए हैं, वह सभी नामांकन आज वापस हो जाएंगे, और सभी नाराज कार्यकर्ताओं से बातचीत की जा रही है और सभी को मनाने का कार्य भी किया जा रहा है। हमारे अनेकों कार्यकर्ता थोड़ी बहुत नाराज नामांकन किए थे, आज लगभग सभी नामांकन वापस हो जाएंगे। और मैंने कहा भी है कि भाई कार्यकर्ता की कई बार महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, लेकिन सबसे सामंजस्य बनाकर कुलदीप जी, हमारी पूरी टीम वहाँ काम कर रही है, पूरी टीम से बातचीत करके लगभग आज हमारी अधिकतम सहमति बन चुकी है, सब लोग आज नाम वापस करेंगे। पिरान कलियर को उत्तराखंड का छठवां धाम माना जाता है, लेकिन इस धाम में कई ऐसे अनैतिक कार्य हो रहे हैं जिनको लेकर प्रदेश के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि पिरान कलियर में लोगों की एक बहुत बड़ी आस्था है, लेकिन इस आस्था पर कुछ लोग बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मानव तस्करी के साथ साथ देह व्यापार की भी कई घटना सामने आ रही है, जिसको लेकर सरकार बड़ी कार्यवाही की तैयारी में है। जहाँ से लोग मांगने आते हैं, आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहाँ मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, LIU के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पिरान कलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिरान कलियर आज की डेट में वैश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। पिरान कलियर के अंदर ड्रग्स के साथ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ, क्या कहते हैं उसे, कई सारे जो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको नाकाबिले बर्दाश्त हैं। और हमने बिल्कुल मन बनाया है मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनकी सबकी सफाई करेंगे। एक भी गलत आदमी को हम पिरान कलियर में रुकने नहीं देंगे। पूरी तरह से नीचे से ऊपर तक झाड़ू भी चलेगी और बुलडोजर भी चलेगा।